ई दफा ई जादे मिट्टी वदी हुई फ्रंट है पूरा जंग है। ये जगह है, ये जगह ऐसे आती है सारी, ये जगह भी है सारी, और इसे सेट कराना पड़ेगा। ये इतने अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैर खैरियत मज़े में होंगे। बॉयज़ जैसे कि आपने देखा है गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब है, और मुझे याद नहीं आता लास्ट बार कब धुलाई थी, क्योंकि शायद आपको याद हो क्योंकि जो डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होता है कि यार लास्ट बार कब धुलाई थी। तो अभी शादी भी थी कज़न की, और मतलब कि गांव भी डेली आना जाना हुआ है, और गाड़ी की काफ़ी हालत ख़राब है। जो रोड है हमारा वो भी आपको पता है, और जो वहाँ पर पानी होता है कभी क्या होता है कभी क्या होता है, और रोड भी काफ़ी ख़राब है। तो डेली ड्रिवन गाड़ी का ये बड़े मसले होते हैं। तो अभी ये किया है, मेरा मूड है कि यार इसे लिफ्ट वाले जो सर्विस स्टेशन होते हैं वहाँ ले जाते हैं, और नीचे से भी सारा धुलाते हैं। बाकी नीचे से जो रस्ट होगी वो सारी ख़राब होगी, क्योंकि यार जब से मैं इधर ही धुलाता रहा हूँ, मतलब लिफ्ट वाले पर कभी भी नहीं धुलाया। तो अभी चलते हैं धुलाते हैं और चेक करते हैं रस्ट क्यों है या नहीं है बॉडी पर, क्योंकि साइड से मुझे थोड़ी सी लग रही थी। तो फिर पहले उसे ही सेट करवाना पड़ेगा एक दो दिन के अंदर, क्योंकि जिस टाइम गाड़ी धुलेगी उस टाइम पता चलेगा कि मडगार्ड्स के अंदर रस्ट है या नहीं है, और अगर है तो उसे जल्द से जल्द हमें सेट कराना पड़ेगा डेंटर के पास ले जाकर। तो डेली ड्रिवन गाड़ियों के और इन मॉडल्स के ये मसले होते हैं, तो इन्हें साथ साथ अगर बंदा बनवाता रहे और इनको सही करे तो फिर इनके मतलब चलते रहता है काम पुराने मॉडल्स का, तो ऐसा नहीं चलता होता काम इनका। क्योंकि नए मॉडल का तो ये है कि न्यू लो और दो तीन साल तो उसे आराम से चलाओ ना। जो ये मॉडल्स हैं इनको साथ साथ जब तक मतलब इनकी मेंटेनेंस ना करो तो ये काम ख़राब कर देती हैं। तो अभी चलते हैं पहले इसको धुलाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है करने को। गाइस अपडेट ये है कि डिग्गी भी काफ़ी हालत ख़राब है, और पीछे मतलब सारा गंद है, तो मैंने कहा यार इसलिए ये भी धुला लें, और साइडों में भी काफ़ी बुरी हालत है। और जो रस्ट थी वो मैं ये कह रहा था, ये जैसे धुलेगी तो अभी पता चलेगा कि इसकी कितनी रस्ट है, और उस साइड पर भी है, उस साइड पर ये है, ये जगह है, ये है, ये है, है ये हल्की फुल्की जगह, लेकिन फिर अगर छोड़ दें तो ये ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसके बारे में भी सोचते हैं सर्विस हो जाए फिर डेंटर के पास चलते हैं और ये दिखाते हैं, अगर मतलब थोड़ा सा काम है तो आज कराएंगे, नहीं तो उससे टाइम लेंगे और ये काम पहले कराएंगे। और भी बहुत सारा काम है डेंटर का, तो वैसे तो मतलब किट्स लगवानी है, ये शीट लगवानी है सारी न्यू, क्योंकि ये टूटी हुई है, और भी काम है छोटे बहुत, लेकिन पहले सर्विस हो जाए और उसके बाद चलते हैं। बाकी ये लाइट थोड़ी इसकी सेटिंग हिली हुई है, ये भी सेट करानी है, और चलो पहले सर्विस हो जाए, नीचे से सारा आज इसे धोते हैं ना, बस सुखावन अजाब है ना, सुखे वैसन चार्जिंग दे लेना भी सोचते। अच्छा तो भाई अपडेट ये है कि आपके भाई का ब्लैक कलर का सूट है, और ये गाड़ी भी ब्लैक है, और वो सीवे भी ब्लैक है। कैसा लगा मेरा मजाक? आई सब ब्लैक ब्लैक है। अच्छा धुल जाए और फिर देखते हैं आगे क्या करने को, क्योंकि यार इस पर काफी टाइम लगने वाला है, मुझे लग गया सिर आ रहा है, नीचे से काफी खराब है। धोवेस खैर वाला मैं विघ्न रखे ना डिगी रख से चाना बद मैं घर ही ना। तो ये कुछ सीन है बॉयज, निकलता देखे सिर्फ मसला तो ये है ना,
उस रोड के लिए इसलिए वो जीप बनवा रहे हैं कि यार ये इसका काम नहीं है वहाँ पर, और इसलिए वो जीप जो आपको मैंने एक बार बताया था कि यार एक स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट जीप का, तो यार उसका जल्द अज जल्द शुरू करना है, और उसका हमें एक तो फ्रेम नहीं मिल रहा, और फ्रेम लाजमी हमें यार अगर किसी के पास है तो वो लाजमी हमें बताएं, फ्रेम नहीं मिल रहा, बाकी बाडी शाडी वो बनवा लेंगे, बस फ्रेम की ज़रूरत है। तो उस रोड के लिए ये इसका डेली यही हाल होता है, डेली शॉक सस्पेंशन का बड़ा मसला है यार, इसलिए उस रोड के लिए वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। चलो शौक का शौक होगा और रोड का रोड, ये वहाँ पर काम नहीं आता यार इसका। वो कहता है इसकी एक एक कोने में मिट्टी है, मैंने कहा यार कब की धुलाई नहीं है लिफ्ट वाले पे, बड़ी मेहनत बस ठीक है। चलो सर्फ का नंबर है सर, डीजल नंबर ठीक है ठीक। मिट्टी वी फ्रंट जाली खड़ी होंगी है, तलू तलू हाँ ना, क्योंकि यार मैं को लब्धा नहीं पिया, मैं भी चुए सोचे बचारे लहे ना एक दे पिछु ए मैं कोड़ी लग दिया ना, देखो ना एक कोनी ना। अच्छा बॉयज अभी देखे तो नजर आने लग गए, ये देखा है जैसे ये अंदर रस्ट है पूरा जंग है, ये जगह है, ये जगह ऐसे आती है सारी, ये जगह भी है सारी, और इसे सेट कराना पड़ेगा, ये इतने तक है सारी, पहले तो ये सेट कराया था फुट पैर ही सारी, और अब इसे सेट कराना पड़ेगा यार, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, और अगर ये अभी सेट ना करी तो ये ऊपर सारा रस चढ़ जाएगा पूरी बॉडी पर। अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वॉश हो गई है, और अभी चलते हैं डेंडर के पास और उससे दिखाते हैं कि यार ये जो नया इसने शशका खोला है और इसका क्या मतलब है यार, ये क्यों बॉडी इस तरह रिस्पांस दे रही है, या तो जो ऊपर रैप हुआ है उसकी वजह से मसला बना है, तो देखते हैं यार अभी चलते हैं और उससे मशवरा करते हैं कि इसका क्या करें, क्योंकि डेंडर के पास वैसे भी बहुत सारे काम थे मेरे गाड़ी के, तो वो भी साथ हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। टीवी यार मेरे तो आई थी पही है इन तेरे के ए तो पार्टी तो मैं तो लगता है मसला कितनी ज्यादा नहीं थी ने जा है तो पेपर भी अलग से पेपर को छोड़ तले पार्टी तो मैं को यो है तू आते पेपर अल्लाह दा बंदा ए पार्टी इन तेरे के सुराख थी अगर अभी तू आते पेपर है के मैं को पार्टी दे पेपर चढ़ दे जाने रा ने ए तो मैं तो किते उत्तू ते जंग ने चढ़ नहीं बण वैसे ए के वजह पानी दी ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਮਰੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਸਕ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੀ ਪੀਸ ਰੰਗ ਜਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਤੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ डेट ये है कि घर आ गए थे यार और मैं चला गया था काम, और इसलिए अभी लेट व्लॉग वाइंड अप कर रहा हूँ, और सुबह इंशाल्लाह पहला काम यही करते हैं कि यार गाड़ी को ले जाते हैं और इसका सारा काम कराते हैं, फ्रंट बम्पर को पूरा खुलवाऊंगा, शीट्स लगवानी है, बाकी ये काम जो रस्ट है सारा ये ख़त्म कराना है, इसका प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता सारा काम करवाना है, कल डेंटर का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर पेंटिंग करवाएंगे सारी फ्रंट बैक बम्पर, शायद किट भी लगवा लूँ और साथ और रिम भी कलर करें जो अभी तक ड्यू है यार, इतनी सुस्ती है और शादी आ गई है और एक दो काम थे तो अभी तक रिम नहीं हो सके,
कलर। बाकी धूप नहीं निकल रही थी, धूप की वजह से भी काफी काम रुका पड़ा था। कल इंशाल्लाह ये काम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हाफिज़।